हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 146। कॉन्ग्रेंसी अमोंग राइट एंगल ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंसी इज द केस ऑफ टू राइट एंगल्स डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन। इन सच ट्राइंगल्स ऑब्वियसली द राइट एंगल्स आर इक्वल। द राइट एंगल्स आर इक्वल सो द कॉन्ग्रेंसी क्रिटेरियन बिकम्स ईजी। ओके, देखो यहाँ पे उसका दिया है क्रिटेरियन आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्रिटेरियन। ओके, सो इफ अंडर अ करेस्पॉन्ड्स द हाइपोटेन्स एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्स एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, सो जिस ट्राइंगल का हाइपोटेन्स और एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और वो दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्स एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल है देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, सो एग्जाम्पल 8 देखो। क्या है एग्जाम्पल 8? गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। यहाँ पे दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेट है या नहीं है वो हमें देखना है यूजिंग कौन सा रूल है, आर एच एस। ओके, इन केस ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल राइट द रिजल्ट इन सिम्बोलिक फॉर्म। सो देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा, और ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, और दूसरा है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री तो यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा, और बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है सो पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल तो नहीं हो रहा है। सो हम फर्स्ट का देखते हैं, हियर एंगल बी इज इक्वल टू कौन सा एंगल है, पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और हाइपोटेन्स यहाँ पे देखो हाइपोटेन्स फिगर 7.30 में ए सी है और आर पी है, सॉरी आर क्यू है, सो ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्स, आर क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दोनों 8 सेंटीमीटर है, और पी और बी 90 डिग्री है तो पी आर एन ए बी कितने हैं 3 सेंटीमीटर है वो साइड है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ आर एच एस का मतलब राइट। ये आपको सोचना है कि आर एस एच का एच मतलब क्या है, हाइपोटेन्स है तो आर और एच का मतलब क्या होता है वो आपको देखना है, थिंक करना और बताना कि क्या होता है मतलब उसका। अब देखो सेकंड में क्या है, एंगल ए 90 डिग्री है तो सामने एंगल क्यू 90 डिग्री है वो तो है, ए सी और ए सी 5 है और पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है और ए सी 5 है तो यहाँ पे देखो वो नहीं हो रहा है, पी ए सी 5 किया तो यहाँ पे पी क्यू 5 और बी सी 9 है, बी सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी सी 9 है और पी आर 8 सेंटीमीटर है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वो तो इक्वल है, साइड ए सी इज इक्वल टू पी क्यू वो इज इक्वल टू वो साइड इक्वल है 5 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेन्स जो हाइपोटेन्स है यहाँ पे बी सी एंड पी आर वो इक्वल नहीं है, बाय हाइपोटेन्स बी सी इज इक्वल टू 9 है एंड पी आर इज इक्वल टू 8 है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट हाइपोटेन्स बी सी इज इक्वल टू नॉट हाइपोटेन्स पी आर सो द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, तो ये ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 9 देखो, इन फिगर 7.31 डी ए DA perpendicular to
ए बी, यहाँ पे डी है परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी है परपेंडिकुलर टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू क्या है बी डी, ए सी इज इक्वल टू है बी डी। स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल बी ए डी या ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल ए बी डी। तो देखो यहाँ द पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, और दूसरा लिया है बी ए डी, ओके ए बी सी और दूसरा लिया है बी ए डी, दोनों है 90 डिग्री। और यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू कौन सा है बी डी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी है वो आपको दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए वो कॉमन साइड है दोनों में। सो फ्रॉम द अबाउ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल बी ए डी, कौन सी कौन सा रूल है यहाँ पे, आर एच एस, देखो ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, एक ट्राइंगल राइट एंगल दोनों में इक्वल है, मतलब ए सी और बी डी हाइपोटेंस है वो इक्वल है, राइट एंगल चाहिए हमें, ए बी सी और बी ए डी दोनों राइट एंगल है वो भी इक्वल है, और एक साइड चाहिए हमें, वो साइड कौन सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए दोनों में कॉमन साइड है, सो ये कॉन्ग्रेंट है। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, फर्स्ट है ट्रू है, और दूसरा है स्टेटमेंट टू इज़ नॉट मीनिंगफुल इन द सेंस दैट द करेस्पोंड अमोंग द वर्टिक्स इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल दूसरा में लिया है, ए बी सी लेना है और ए बी डी ये नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट सेकंड है इज नॉट मीनिंगफुल इन द सेंस दैट द करेस्पोंड अमोंग द वर्टिक्स इज नॉट सेटिस्फाइड, ओके। सो इसमें जो ट्राई दिस वाला है वो आपको ट्राई करना है, उसमें आप क्या देखोगे, कौन सा रूल अप्लाई करना होगा आपको, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेंस एंड साइड, ओके। सो समझ में आ गई, फोर क्राइटेरियाज होती आपको, एस 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 साइड साइड साइड, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, और आर एच एस उसका मीनिंग आपको पता है, वो आपको मैंने बोला था फाइंड आउट करने के लिए, बट मैंने आपको बता दिया राइट एंगल हाइपोटेंस एंड साइड, ओके। सो आपको समझ में आ गए फोर क्राइटेरियास, ओके अच्छे से रीड करना सो समझ में आ जाएगा, ओके थैंक यू।